अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कैप्सिकम पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए होगा बेसन, कैप्सिकम, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लोर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसन मसाले मसाले ऐड कर देने हैं और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमने पेस्ट बना लेना है। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। तो अब आपका पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने ऑयल गर्म कर लेना है। बिल्कुल तेज़ ऑयल में हमने इसको डालना है और अपने पकौड़े डालने के बाद आपने 5 मिनट बाद फ्लेम को लो कर देना है ताकि ये क्रिस्पी बने और अंदर से कच्चे ना रहे। जितना स्लो फ्लेम पर ये फ्राई होगी उतना ही क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। तो अब हमारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।